तो वहीं लटेरी में बोरवेल में गिरे एक बच्चे का रेस्क्यू लगातार जारी है। दरअसल सिरोंज विधायक उमा शंकर शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं। विधायक ने बच्चे की सलामती की दुआ मांगी है। तो भोपाल रेंज के कमिश्नर माल सिंह भी पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि जो बच्चा है लोकेश, वो मूवमेंट भी कर रहा है। बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास लगातार जारी है। हार्ड सरफेस के कारण खुदाई में परेशानी हो रही है, तो 4 से 5 घंटे में सफलता मिल सकती है। 60 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा फंसा है और 43 फीट पर 7 साल का लोकेश अटका हुआ है, जिसको लेकर अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि 4 से 5 घंटे में सफलता मिल सकती है, लोकेश को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से लगातार रेस्क्यू चल रहा है, जहां पोकलैन और तमाम मशीनें लगातार काम कर रही हैं, तो वहीं प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से तैनात है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, कितना काम अभी तक हो पाया है और बच्चे की हालत अब कैसी बनी हुई है? बस आपके लिए बता दूं कि अभी बच्चे को 1 घंटे तक पहले तक तो वह सुरक्षित बताया जा रहा था, चेक किया हुआ था, और अभी वहां पर क्या है कि मिट्टी कड़क आने के कारण टैंकरों से पानी डालकर उसके बाद खुदाई की जा रही है। तो काफी समय लग रहा है खुदाई करने में। 35 फीट के लगभग खुदाई हो चुकी है, खुदाई लगभग 50 के आसपास करेंगे वो, उसके बाद सुरंग बनाएगी एनडीआरएफ की और टीमें आ चुकी हैं, वो उसके बाद काम करेंगी। जी दीपक, योगेंद्र, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? 1 घंटे पहले तक तो वह सुरक्षित था, अब वह दोबारा फिर चेक करेंगे उस कैमरे पे डाल करके, उसको क्या है निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी डालते हैं साथ में वो। चलिए, शुक्रिया योगेंद्र, सुरक्षित है वो। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लोकेश को बचाना है, इस मुहिम में लगातार प्रशासनिक अमला, एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है और तमाम मशीनों से खुदाई जारी है और ये कोशिश है कि जल्द से जल्द खोद कर लोकेश को बाहर सुरक्षित निकाला जाए।